तो वही कही गई है जो पिछले बजट का अंदर कही गई थी। पिछले बजट की घोषणाएं भी सरकार पूरी नहीं कर पाई। किसान आंदोलन के अंदर जिस तरह कांग्रेस किसानों की पैरवी कर रही राजस्थान में, कांग्रेस के मंत्री धरना दे रहे हैं, तब राजस्थान के किसानों को उम्मीद बंधी थी कि राहुल गांधी 2018 के दौरान एक क्या कहते किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। उम्मीद थी कि कर्ज माफी की घोषणा राजस्थान की सरकार करेगी, किसानों की कर्ज माफी की घोषणा नहीं हुई। फ्री बिजली की घोषणा करेंगे, मुफ्त बिजली की घोषणा भी नहीं हुई। तीसरी जो बूंद बूंद सिंचाई योजना है उसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक जो लगातार बूंद बूंद सिंचाई के अंदर जो 3 गुना 4 गुना बिल भरना पड़ता है किसानों को, बहुत बड़ी तकलीफ के अंदर है। तो उसमें हमने ये मांग करी थी कि 1 साल जिनको बूंद बूंद सिंचाई के अंदर कनेक्शन किसानों ने लिया उनका 1 साल के अंदर आप इनको सामान्य श्रेणी में लें। हम दोबारा मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे, मैंने पहले भी पत्र लिख के मांग करी थी कि बूंद बूंद सिंचाई के अंदर जो कनेक्शन लिए उनके 1 साल के अंदर लिए उनको सामान्य श्रेणी में किया जाए। युवाओं को रोजगार के मामले में भी कोई विशेष बात इस बजट के अंदर नहीं दिखाई दी। 50,000 नौकरियों की जो बात हुई है वो आगामी साल के अंदर किए जाएंगे, समय सीमा तय नहीं है। ये चारों उपचुनाव को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बजट देखने में लोक लुभावना जरूर नजर आ रहा है, लेकिन धरातल पे ज़्यादा काम राजस्थान के अंदर इस बजट से कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ है। नागौर जिले के लिए कुछ हुआ क्या सर? मुझे नहीं लगता नागौर के लिए विशेष कुछ नहीं है। कुचेरा के अंदर जो कॉलेज और एक लंबी मांग 2008 से लगातार मैं कर रहा था, कुचेरा के अंदर कॉलेज जो बहुत समय से नागौर की राजनीति जहाँ चलती थी, लेकिन जो कुचेरा के नेता थे इस कॉलेज के अंदर हमेशा बाधा उत्पन्न करते थे, वो इस बार कुचेरावासियों कॉलेज का तोहफा मिला। लेकिन नागौर को जितनी उम्मीदें बजट से थी वो उम्मीदें नागौर में पूरी नहीं हुई। अभी जब मुख्यमंत्री बजट से वापस रिप्लाई थे उस समय बूंद बूंद कृषि जो कनेक्शन है उसका लाभ किसानों को दे कर्ज माफी घोषणा करें और जितने भी राजस्थान को आगे ले जाने के होते हैं उन पर, और बेरोजगारी भत्ता भी किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा जो बजट के अंदर घोषणा की उसके बारे में पूरी तौर से नहीं बताया कि बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा। ये कोई युवाओं को और राजस्थान को नई दिशा देने वाला बजट नहीं है। ये लोक लुभावना दिखने में जरूर नजर आ रहा है लेकिन धरातल पर